एक ऊंटनी थी इमाम जैनुल आबिदीन की। वो इमाम जैनुल आबिदीन के साथ अक्सर जब आप मक्के शरीफ जाते तो मक्के शरीफ में इसी ऊंटनी पर आप सवारी फरमाते, और कैफियत ये थी कि ऊंट ये एक ऐसी सवारी है कि जब तक कि इसको चाबुक ना लगाया जाए, लगाम ना कसी जाए, उस वक्त तक कि ये मंजिल तक नहीं पहुंचाती। लेकिन कुर्बान जाए कि जिस ऊंटनी पर शहजादे रसूल हजरत इमाम जैनुल आबिदीन सवार हो जाए, तो फिर उस ऊंटनी की किस्मत ऐसी हो जाती थी कि उस ऊंटनी को हाँकने की भी जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद मक्के शरीफ पहुंचा दिया। अल्लाह हु अकबर। अब हुआ क्या कि जब इमाम का इंतकाल हुआ तो ये ऊंटनी इमाम जैनुल आबिदीन की कब्र के पास रोती हुई बैठ गई। इमाम मोहम्मद बाकिर गए और इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला ने उस ऊंटनी को उठाने की कोशिश की, आया ऊंटनी उठ जा, अल्लाह तुझे बरकत दे। जब उस ऊंटनी ने उठने से मना किया तो आपने कहा अब ये ऊंटनी नहीं उठेगी, और जब आप वहां से तशरीफ ले आए तो 3 दिन बाद उस ऊंटनी का इंतकाल हो गया। पता ये चला कि जानवर भी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दराज गोश था, गालिबन याफूर उसका नाम था। जब मेरे आका पर्दा फरमाए और आका के पर्दा फरमाने की खबर उसको पहुंची तो वो एक कुएं में जाकर के उसने अपनी जान दे दी। अल्लाह अकबर। रसूल से भी मोहब्बत करते हैं जानवर और आले रसूल से भी मोहब्बत करते।